सो चलिए, हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 15 फेब का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मॉर्निंग में यहाँ पे मैंने अपडेट डाला था कि मार्केट यहाँ पे बुलिश रैली देखने को मिल सकता है। जिन लोगों ने लाइव पे मेरे को ज्वाइन नहीं किया था लाइन पे, तो मैंने बोला था कि 17,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको होल्ड करते हैं तो बढ़िया मोमेंट हो सकता है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हायर लो भी आपने मार्क किया था, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई जैसे ब्रेक हुआ तो मैंने आपको 41,200 का सी का 320 का लेवल भी दिया था, और यहाँ पे जो 860 का रेजिस्टेंस भी बोलता है, 860 को रेजिस्टेंस ब्रेक करके अच्छा सा मार्केट ने अपसाइड के लिए रैली देखने को मिला। और जो मैंने आपको कॉल सजेस्ट किया था 17,800 का, जो कॉल एजुकेशन परपज सजेस्ट किया था कि यहाँ पे 100 के नियर बार अगर सस्टेन करते तो एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जो कॉल का चार्ट देखो 94 और 100 के बीच में, अगर आप 10-20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाते 100 के ऊपर सस्टेन होता तो एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिलता। 160 ऑलमोस्ट 50 या 100 पॉइंट्स यहाँ पे इस कॉल में आपको मिल गया। तो इस तरह के एनालिसिस वगैरह अगर आपको चाहिए इंट्राडे में, तो मेरे को यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को साथ जुड़िए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे सब कुछ यहाँ पे जुड़िए। जो कि एस्ट्रो टाइम भी दिया था, अगर देखा नहीं तो आपने यहाँ पे एस्ट्रो टाइम भी दिया था 10 बजे, और यहाँ पे देख सकते हैं 10 AM और 2 PM। तो चलिए, यहाँ पे क्या हुआ 10 AM और 2 PM को वो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर निफ्टी अगर देखे तो 10 AM को क्या हुआ, चलिए यहाँ पे 10 AM अगर देखे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे परफेक्ट, तो यहाँ पे परफेक्ट मार्केट ने 10 यहाँ पे 10 AM पे यहाँ पे परफेक्ट ने सपोर्ट लगा, और सपोर्ट लगाते अच्छा सा मोमेंटम गया। उसके बाद 2 PM का अगर देखे तो 2 PM से एक अच्छा सा रैली फिर से एक अपसाइड के लिए देखने को मिला था। इस तरह के एस्ट्रो टाइम्स वगैरह चाहिए तो मेरे साथ आप ज्वाइन कीजिए, ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिए। चलिए, अभी निफ्टी के लिए कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते, किस तरह से अभी निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है 244.4 का मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि 17,950 ऊपर के 18,000 का बहुत अच्छा सा रेजिस्टेंस है। 18,000 के रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। चलिए, भी डेली कैंडलस्टिक में फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। डेली कैंडलस्टिक में देखें तो पिछले जो कैंडल्स के हाई थे उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ऊपर की तरफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 18,000 और 18,050 का। जब 18,050 के अबाव निकलेगा तब एक बुलिशनेस और देखने को मिल सकता है, और नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा जो कि 17,800 का। अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो प्राइस एक्शन एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पे देख ले तो प्राइस एक्शन क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेंड लाइन्स वगैरह यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया, एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल रहा है। सपोर्ट जो जोन था जो कि 730 का 17,730 का, उसको ब्रेक कर दिया। अभी कल के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कोई 788 980 यहाँ पे कोई रेंज बना के फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंटम करते तो बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन डाउन साइड के लिए जब 17,800 के नीचे जाएगा तब एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम मेरे हिसाब से देखने को मिलना चाहिए। उसी हिसाब से अगर देखें तो 18,060 और 18,000 के लेवल है यहाँ पे ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो टूवर्ड्स 18,120 देखो 18,120 और 18,200 के लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखकर उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें आज की जो बाइंग आई है तो एक बढ़िया बाइंग आई है जो सस्टेन करती है कि नहीं, कल के ट्रेडिंग सेशन में देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको पता चले। या ऊपर की तरफ 18,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस वगैरह लेते हैं वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उस हिसाब से अगर बैंक निफ्टी देखें तो आज ऑप्शन चेन डेटा नहीं देखेंगे, वो भी अभी एक्सपायरी हुआ था, वो सेटल डाउन होने के लिए टाइम लग जाएगा। तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग स्टेज पे जो कि 41,800 का लेवल है, 41,800 के लेवल के ऊपर अगर कल निकलता है तो डाउन अपसाइड के लिए एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे असेंडिंग टाइप ऑफ ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, देखो असेंडिंग टाइप ऑफ ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। कल अगर समझो इसी रेंज में ओपन होता है 41,800 के अब और 42,000 के लेवल के ब्रेक करता है तब भी अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 42,050 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, 42,050 के अब सस्टेन करता है तभी मैं अपसाइड के लिए मोमेंटम सोचूंगा। अदरवाइज 41,500 का जो लेवल है जो कि 41,500 का, इसके नीचे जाता है तब एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो ट्रेंड ला रही है, ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं कि नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो उसी टाइप का पैटर्न बना है, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है। आज जो शॉर्ट कवरिंग रैलिंग आई यहाँ पे डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न बना के 41,400 का रेजिस्टेंस मैंने बताया था उसके ऊपर मोमेंटम किया। कल के जो मैंने रील्स बनाया था रील्स में भी बताया था कि 41,500 530 के अब अगर सस्टेन करते हैं तो एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। तो कल के सेशन में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिन निफ्टी अगर देखें सॉरी तो फिन निफ्टी के लिए यहाँ पे कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है, फिन निफ्टी अगर देखें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अच्छा सा बुलिश देखने को मिल रहा है। फर्स्ट मैंने ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, डेली कैंडलस्टिक में देखेंगे फिन निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है। फिर निफ्टी डेली कैंडलस्टिक में बजट डे का कैंडल का जो हाई वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और नीचे की तरफ कल जो कि 18,300 का जो पिछले जो हाई थे उनके ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए 18,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, अगर कल अगर इसी लेवल के पास मिलता है 18,500 सपोर्ट के लिए रह सकता है, यहाँ पे बाइंग के लिए मौका देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक अच्छा सा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, मैं इसको खींच के दिखा देता हूँ।
चलिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होगा तभी एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम बनेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे असेंडिंग टाइप ऑफ ट्रायंगल बन रहा है। अभी 500 के लेवल को ब्रेक करा, यहाँ पे कोई रेंज बना के फिर से ब्रेकआउट कर दे तो अपसाइड के लिए मोमेंटम रहेगा। अपसाइड के लिए कौन से लेवल 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 इंपोर्ट रहेंगे मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ। चलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे 18,800 और यहाँ पे 18,900 का लेवल ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लिए देखने को मिल रहा है। तो चलिए सो यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको लेवल्स बताते हैं किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन लेवल के साथ ट्रेड ले सकते हो।